ये बंदा नहीं मानता ये बंदा नहीं मानता भाई What's up, good morning people, क्या हाल चाल है आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे सो सुबह के बज रहे हैं 6:15 राइट तो हम लोग अब बस गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब हैं अब एक बार दर्शन करेंगे गुरुद्वारा साहिब में और उसके बाद हम आगे अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे टूवर्ड गोविंद धाम वहाँ पे स्टे करेंगे और देन अगले दिन वहाँ से हेमकुंड साहिब की चढ़ाई करेंगे आओ चलो चलते हैं गुरुद्वारा साहिब ये हमारा जहाँ सराह में हम रहे हैं ये वहाँ की लॉबी है अभी आपको दिखाते हैं कुछ लोग जो तैयार नहीं हुए हैं ये देख लो आप सब यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं हुए हैं ना ये तैयार हुए हैं ये पाजी पीछे छुप रहे हैं छुप रहे हैं अरे सर जी क्या ये देख रहे हो हाय हेलो व्यूअर्स ये बंदा ना हां जी सुनो इधर भाई साहब आप इधर सुनो इधर ये बंदा नहीं मानता भाई साहब आपको क्या हुआ हैं तैयार होके बैठे हैं बस अच्छा चलो फटाफट चलो यार सारे तैयार होके खड़े हो जाओ हाँ फटाफट आ जाओ मैं आप गुरुद्वारे जा रहा आपको बुलाए भूलिए आपे मेल मिलाए नानक गुरमुख छूटिए जे चल सतगुर पाए लोग निकल पड़े हैं अब चढ़ाई की तरफ सो एक बार बोले सो निहाल तू बोल दे बोल 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 देख तेरी वीडियो भी आएगी अरे बोल दे श्री अकाल सो हम अब निकल चुके हैं तो देखो अभी जो पहले टाइम पहले होता था उसमें क्या होता था कि आपको पूरी यहाँ से चढ़ाई जो शुरू करनी होती थी वो पूरी की पूरी हमें और बाय वॉकिंग करनी होती थी राइट सो अब कुछ टाइम से क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे आप 5 किलोमीटर जो है वो बाय कार जा सकते हो बट आज जैसा उन्होंने बताया कि आज गाड़ियाँ थोड़ी सी कम है सो उस चीज़ को हम उस चीज़ का बेनिफिट ले रही जो हमारी आज की चढ़ाई है वो है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर्स जिसमें से हम देखते हैं कि कैसे चढ़ते हैं बट हमने जो प्लान किया था अर्ली मॉर्निंग निकलने का बट ड्यू टू सम रीज़न कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाए जल्दी नहीं जा पाए सो अब जस्ट हम निकले हैं सो मज़ा आएगा कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लेंगे फिर देखते हैं प्रिंस भी आया हेलो थक नहीं यार ठीक है आप स्लीप अभी तो शुरुआत है आगे पता नहीं क्या क्या होगा बहुत थक गए थे अभी सो हमने क्या किया कि अभी अभी एक गाड़ी करी है जो हमें 3 से 4 किलोमीटर ऊपर छोड़ देगी देन वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे आओ तुम्हें मिला देता हूँ भैया हेलो कर दो यार हाय हेलो अच्छा सबको और सब हेलो कर दो हेलो करो हाय बहुत शोर डालते हैं डालते हैं मचाते हैं मचाते हैं तोते तो उड़े पड़े हैं आई होप आपको पता होगा पैरट पैरट मींस तोता सो ओवर पैरट्स आर नॉट विद अस वो तो उड़ गए बहुत हालत बुरी हो चुकी है बेसिकली ट्रैक करने में मुश्किल नहीं हो रही रीज़न बीइंग ये है कि हम लोग धूप बहुत ज़्यादा है देख लो इस धूप ने मेरा रंग भी गोरा कर दिया है यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार देना है कमेंट करना है और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना
मैं नहीं तो बता रहा ये इन जैसा हाल कर दूंगा तुम्हारा। सो अगर आप हेमकुंड साहब आ रहे हो, वैसे तो ठीक है अगर आप खच्चर यूज कर रहे हो, बट रियली कि उनके ऊपर बैठ के चलना भी हिम्मत की बात है। रीज़न बीइंग कि वो बिल्कुल बाउंड्री साइड पे चलते हैं, इस साइड पे, राइट। तो बस ये देख लो अगर जान प्यारी है या क्या प्यारा है, ये आप लोगों को पता है। तो हमारे ट्रिप में कुछ और लोग भी हैं जो भी आगे जा चुके हैं, क्या इनके बारे में नहीं है? ये बंदा नहीं मानता भाई इनके बारे में नहीं है, ये काट देंगे, देख रहे हैं। अभी एडिट सीन में आएगा ये एडिट होगा। सो मैं क्या बता रहा हूँ कि कई लोग बीच में ऐसे हैं जो लोग सामान तो उन्होंने हमें फटाफट दे दिया, राइट, बट खुद गए वो खाली हाथ कम सामान लेके। तो इस चीज़ की दिक्कत बहुत है यार, अगर सुन रहे हो ना तो इस चीज़ की थोड़ी शर्म करो कि अगर तुम्हारा सामान साथ में कोई और ले जा रहा है, कैरी कर रहा है तुम्हारा सामान, तो एटलीस्ट इतनी शर्म करो, उनका साथ दे के थोड़ा देर रुको। ये नहीं कि तुम खाली हाथ चले जाओ और वो तुम्हारा सामान ढो, सॉरी। सो फ्रेंड्स यार बहुत थक गए हैं। सो अभी हमारे साथ एक जो थे उनके हाथ पे अभी लगी है, लगी क्या, बेसिकली जो हाथ में उन्होंने स्टिक पकड़ी हुई थी उससे, वुडन स्टिक, उससे उनको हाथ में छिलतर लग गई है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, सॉरी फॉर दैट। सो आपको एक बार दिखा दूँ, पाजी दिखाओ कहाँ लगी है, जहाँ पे फिंगर भी हो गई पाजी रहने वही तो गलत फिंगर है, अभी दिखा नहीं सकते, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। प्रिया से तो पूछो, प्रिया पहली बार ट्रैकिंग करी है ना? हाँ, कैसा मजा आ रहा है? मजा भी आ रहा है, थकावट भी हो रही है बहुत ज्यादा, तो कुछ कह नहीं सकते। चलो हाँ, हमने एक शॉर्टकट लिया था तो वहाँ पे प्रिया को बहुत थकावट हुई थी, सो शी डिसाइडेड कि अब मैं शॉर्टकट नहीं लूँगी, बट फोर्सफुली हमने एक शॉर्टकट लगवा दिया। आगे आए हैं तो आपको कुछ अच्छे शॉट्स दिखाने थे, सो आओ थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यू लेते हैं, अब मज़ा आएगा सिनेमैटिक व्यू में। बन रही है ठंडाई, राइट। तो भैया है, भैया डोंट से हेलो, कंसंट्रेट। भैया नाम क्या तुम्हारा? भैया मजूर। अर्जुन क्या बनाते हो, ये क्या क्या इसमें? अच्छा सारे ड्राई फ्रूट्स, अरे बहुत बढ़िया चीज है यार, पिला दो फिर यार। ये तो आ गया है। सो इसमें क्या है, इसमें बादाम काजू सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस पीस के उसका पानी निचोड़ के ये वो बनाया है। तो चेयर्स। वाह इट्स टू यमी, बहुत बढ़िया। प्रिया को नहीं स्वाद लगा? प्रिंस कैसा लगा यार? बढ़िया है। हाय प्रिंस, गोरा लग रहा है। अभी मैं पहुंच रहा हूं गोविंद धाम, राइट। तो रेस्ट करेंगे रात को, कल चढ़ाई करेंगे गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब की। सांस चढ़ा हुआ, बहुत बोल नहीं पा रहा। सो गाइस बहुत बुरा हाल हो चुका है, तो अभी ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहिब में, रूम भी हमारे पास अरेंज हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, बट अभी हम जस्ट खाना खाने आए हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, सो जाएंगे और कल मॉर्निंग में निकलेंगे हम श्री हेमकुंड साहिब के लिए। समझ नहीं आ रहा कैसे क्रॉस होगा, बट करना है, राइट।
तो अब इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरी, जय हिंद, बाय। और कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत तोड़े पड़े हैं, प्लीज़। चलो बाय, ओके बाय।